मध्य प्रदेश में निराशा के दौर से गुजर रही कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग की तर्ज पर प्रदेश कार्यालय में कामकाज करने की तैयारी की। इसके लिए दफ्तर के बाहर बोर्ड लगाया गया जिसमें कामकाज की टाइमिंग भी लिखी गई, लेकिन जब इसको लेकर विवाद बढ़ा तो बोर्ड हटा दिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय के बाहर गुरुवार को ऑफिस टाइमिंग का एक बोर्ड लगाने के बाद विवाद हो गया। बोर्ड में बाकायदा रविवार की छुट्टी का भी जिक्र था। बीजेपी ने इस पर कांग्रेस को घेरा तो विवाद बढ़ते देख बोर्ड को हटा दिया गया। दरअसल गुरुवार सुबह जब लोग पीसीसी पहुंचे तो गेट पर एक बोर्ड लगा दिखा जिस पर लिखा था पीसीसी कार्यालय के कार्य का समय सुबह 11 से शाम 6 बजे तक है और रविवार अवकाश रहेगा। जैसे ही ये बोर्ड लगे दिखे और लोगों ने प्रतिक्रियाएं देना शुरू की तो कांग्रेस के ही प्रवक्ताओं ने खुद ये बोर्ड तोड़ दिए। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि यह गलत बोर्ड लगाया गया था, उसे सुधार के लिए भेज दिया गया है। यह बोर्ड बाहर से आने वाले लोगों और कर्मचारियों के लिए लगाया गया था। भाजपा बोर्ड को लेकर गलत अफवाहें फैला रही है। गलत बोर्ड लग गया था, उसको सुधार के लिए भेज दिया गया है। आगंतुकों को कर्मचारियों से मिलने का जो समय है वो क्या टाइम होना चाहिए, हमारे कर्मचारी कब उपलब्ध रहते हैं, उसकी जानकारी के लिए बोर्ड लगा था। उसमें त्रुटिवश कुछ गलत लग गया था तो उसको ठीक करके लगाया जाएगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता 2400 घंटे जनता के बीच में सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। भाजपा इस पूरे तरीके से मुद्दे को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, मूल मुद्दे से भागने का प्रयास कर रही है। जो प्रदेश में समस्या है उन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के इशू भाजपा द्वारा जनरेट किए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।